दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऑल ओवर कंप्लीट हो गया था, हमारा जियोमेट्रिक डिज़ाइंस ऑल ओवर कंप्लीट हो चुका है, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑल ओवर कंप्लीट हो चुका है, और हम हाईवे इंजीनियरिंग के फोर्थ चैप्टर पेमेंट डिज़ाइन की अब स्टडी करने वाले हैं। और ये हमारा हाईवे इंजीनियरिंग का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा हाईवे मटेरियल और हमारा हाईवे इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के बाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग, तो हाईवे इंजीनियरिंग ऑल ओवर आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, और मैं आपको अपने जो वीडियो हैं उसमें ये व्हाट्सएप का एक नंबर शेयर भी किया हूँ, जिससे आप मुझे अपना प्रॉब्लम जो भी होगी वो मैसेज कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको पीडीएफ, जो भी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहती है। जैसे मैंने पेमेंट डिज़ाइन स्टार्ट की, तो इसकी भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पेमेंट डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेमेंट डिज़ाइन, चैप्टर फोर्थ है हमारा हाईवे इंजीनियरिंग का, राइट? तो चैप्टर फोर है हमारा हाईवे का पेमेंट डिज़ाइन। अब पेमेंट डिज़ाइन, पेमेंट क्या होता है तो आपको पता था, जो रोड होती है, जो रोड क्या होती थी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। हार्ड एंड सरफेस होती है, जिसमें मूविंग व्हीकल हमारे क्या करता है, मूविंग व्हीकल का जो लोड होता है उसको जो रजिस्ट कर लेता है, ऐसी हार्ड एंड सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोड बोलते हैं, राइट? और रोड में जो नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं, नंबर ऑफ लेयर जो रोड हमारा बनी होती है वो नंबर ऑफ लेयर्स की बनी होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, पेमेंट बोलते हैं। सेम पेमेंट, अब पेमेंट को कैसे डिजाइन करते हैं इस चैप्टर में हम उसको डिस्कस करेंगे। पेमेंट क्या होता है और पेमेंट को डिजाइन कैसे करते हैं, तो वो सब टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टाइप ऑफ पेमेंट देखते हैं, राइट? तो टाइप ऑफ पेमेंट में हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ पेमेंट्स। टाइप ऑफ पेमेंट हमारे दो टाइप के पेमेंट मेनली होते हैं, लेकिन हम लोग ओवरऑल टाइप हमारे फोर टाइप के पेमेंट्स होते हैं। पहला पेमेंट हमारा जैसे है फ्लेक्सिबल पेमेंट, उसके बाद हमारा है रिजिड पेमेंट, फिर हमारा है सेमी रिजिड पेमेंट, और हमारा है कंपोजिट पेमेंट। हम सभी को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट के डिस्कस करते हैं, और उसके बारे में जो डिफरेंस है उन दोनों के पेमेंट में, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, राइट? अच्छा, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग आपको कोटिंग भी बताऊंगा कि हमारे जनरली जो पेमेंट्स होती हैं उनमें कितनी टाइप की कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। ओनली फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करूँगा, फ्लेक्सिबल को पेमेंट में हमारे कितने टाइप की कोटिंग भी प्रोवाइड होती है। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं पेमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इधर देखते हैं, ये हमारा है फ्लेक्सिबल पेमेंट, और देन इसके साइड में हमारा क्या है, रिजिड पेमेंट, राइट? तो इनके बारे में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का डिफरेंट देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बन जाते हैं। तो हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है वो हमारा जो नंबर ऑफ लेयर होती है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमारे नंबर ऑफ फोर लेयर होती है, राइट? एंड रिजिड पेमेंट में हमारे नंबर ऑफ लेयर कितनी होती है, तीन लेयर होती है। तो जो चार लेयर होती है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में कौन कौन सी चार लेयर होती है, एक होती है हमारी सब ग्रेड। सब ग्रेड क्या होता है, जो हमारा पेमेंट को जो भी डिजाइन करते हैं, तो जो हमारा बेस होता है, जो एकदम मान लीजिए अर्थवर्क, अर्थवर्क से ऊपर, जमीन से ऊपर का जो होता है, तो सब ग्रेड किसका होता है, हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन अर्थवर्क का होता है। सी फाइव सॉइल यहाँ पे है, सी फाइव सॉइल मतलब सी होता है कोहेजन, फाइव होता है फ्रिक्शन। कोहेजन फ्रिक्शन जो हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में स्टडी भी करते हैं, इनके बारे में इनका टेस्टिंग भी करते हैं। तो हमारा सब ग्रेड होता है जो अर्दन मटेरियल से बना हुआ होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब ग्रेड। जैसे हमारी मिट्टी, मिट्टी जो होती है, जो हमारी रोड बनाने से पहले सबसे पहले क्या होगी, मिट्टी, तो उसको हम लोग सब ग्रेड बोलते हैं, राइट? सी फाइव सॉइल हो गई, सब ग्रेड हो गया। सब ग्रेड के बाद हमारा क्या आता है, सब बेस आता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट। आप कभी भी कहीं भी इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल पेमेंट में नंबर ऑफ लेयर होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, रिजिड पेमेंट में नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं।
तो आपका जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपका क्या होगा, सबग्रेड, जो कि हमारी C5 सवाल है, आपको पता है सबग्रेड क्या होता है? जनरल जो आपका अर्धन मटेरियल होता है उसको आप सबग्रेड बोलते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा सब बेस। क्या है सब बेस? सब बेस जो होता है सबग्रेड के जस्ट ऊपर सब बेस लेयर होती है। उस सब बेस लेयर किसकी बनी होती है? GSB। GSB क्या होता है? GSB आपका दोस्त होता है ग्रेनुलर सब बेस, जो हमारा ग्रेनुलर मटेरियल होता है, जैसे हमारे पत्थर हो गए, जो हमारे ग्रेवल्स के पत्थर हो गए, उस टाइप के हमारे जो मटेरियल का बना होता है, तो उसको हम बोलते हैं सब बेस। तो सब बेस में हमारा किसे, हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है GSB, उसको बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में। GSB क्या होता है? ग्रेनुलर सब बेस, राइट। उसके बस ऊपर लेयर पर क्या होता है? हमारा बेस होता है। बेस हमारा किससे बनता है? बेस हमारा बनता है WBM से एंड WMM से। WBM हमारा क्या हो गया? WBM का हमारा फुल फॉर्म होता है वाटर बाउंड मैकेडम, राइट। WBM का वाटर बाउंड मैकेडम। एंड WMM का क्या होता है? WMM का होता है वेट मिक्स मैकेडम। क्या होता है? वेट मिक्स मैकेडम। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा सरफेस होता है। सरफेस हमारा जो कम्प्लीटली कंस्ट्रक्ट होता है वो DBM से होता है। और DBM को आप बोलते हैं डेंस बिटुमिनस मैकेडम। तो आपको यहाँ पे सभी का मैं फुल फॉर्म भी दिखाया हूँ कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमारी नंबर ऑफ फोर लेयर होती है, जो हमारी सब ग्रेड होती है, तो सब बेस, उसके बाद बेस एंड सरफेस, राइट। और DBM आपको पता है क्या होता है? DBM होता है आपका डेंस बिटुमिनस मैकेडम, WMM होता है वेट मिक्स मैकेडम, WBM होता है वाटर बाउंड मैकेडम, एंड GSB होता है ग्रेनुलर सब बेस, राइट। देन इसके अलावा हम अगर बात करते हैं रिजिड पेमेंट की, तो आपके अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट में लेयर की बात करें तो नंबर ऑफ लेयर कितनी थी? फोर लेयर है। लेकिन अगर रिजिड पेमेंट की बात करेंगे तो रिजिड पेमेंट में आपकी जो नंबर ऑफ लेयर होती हैं वो ओनली थ्री होती हैं, सब ग्रेड, सब ग्रेड के बाद बेस, अब बेस के बाद आपका सरफेस। आपका यहाँ पे सब बेस यूज़ नहीं होता है, राइट। अगर सब ग्रेड की बात करें तो सेम C5 सवाल, अगर बेस की बात करें तो सेम WBM एंड DLC है। DLC क्या होता है? DLC होता है आपका ड्राई लीन कंक्रीट, उससे हमारा कंस्ट्रक्ट होता है, राइट। उसके बाद हमारा सरफेस होता है। सरफेस से हमारा दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा PCC एंड अदर होता है हमारा RCC। PCC क्या होता है? प्लेन कंक्रीट सीमेंट। एंड RCC क्या होता है? रेनफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट। ये आपको तो अंडरनोन होगा। प्लेन कंक्रीट सीमेंट और रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट का डिफरेंस है आपका, जो स्टील के बार्स होते हैं उनको प्रोवाइड नहीं कराते हम लोग PCC में, इसलिए उसको प्लेन कंक्रीट सीमेंट बोलते हैं। जो स्टील के बार प्रोवाइड कराते हैं उनको हम लोग RCC बोलते हैं। तो ये हो गया आपका लेयर्स के डिस्कशन, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट में जो डिफरेंस है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फ्लेक्सुअल रिजिडिटी। फ्लेक्सुअल रिजिडिटी की बात करें तो हमारा जो फ्लेक्सिबल पेमेंट में होता है, फ्लेक्सुअल रिजिडिटी की हमारा क्या होता है? वेरी लो होता है या निग्लिजिबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं रिजिड पेमेंट में तो वो क्या होता है? सिग्निफिकेंट। मतलब अगर फ्लेक्सुअल रिजिडिटी की बात करें, फ्लेक्सुअल स्ट्रेंथ की बात करें, तो रिजिड पेमेंट में हाई फ्लेक्सुअलिटी होती है एज ए कम्पेयर टू फ्लेक्सुअल पेमेंट में। फ्लेक्सुअल पेमेंट में हमारा वेरी लो या आप बोल सकते हैं निग्लिजिबल हमारे फ्लेक्सुअलिटी होती है। तो फ्लेक्सुअल रिजिडिटी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो हमारा रिजिड पेमेंट में, तो हाई सिग्निफिकेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है फ्लेक्सुअल रिजिडिटी रिजिड पेमेंट में एज ए कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट में वेरी लो होती है। अब फ्लेक्सुअल रिजिडिटी क्या होती है? देखिए, तो फ्लेक्सुअल रिजिडिटी आप एक हिसाब से समझ सकते हैं एज ए टेक्निकल में डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन जो होता है, तो हमारा क्या होता है कि हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या होता है? वेरी लो होता है। एंड रिजिड पेमेंट में आपका क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है रिजिड पेमेंट में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लोड ट्रांसफॉर्मेशन। लोड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट में, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो लोड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब जो लोड का हमारा ट्रांसफर होता है, वो लोड का हमारा ट्रांसफर इसमें ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम पूछ जाता है कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है इसमें जो लोड का ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? ग्रेन टू ग्रेन होता है। क्यों ग्रेन टू ग्रेन होता है? क्योंकि एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका सबग्रेड के बाद सब बेस है, ये भी आपका ग्रेनुलर मटेरियल है, फिर उसका बेस है, बेस के बाद सरफेस है, तो ये क्या है? ग्रेन टू ग्रेन हमारा पेमेंट कंस्ट्रक्ट होता है किसके मटेरियल के कारण। तो इसलिए जो लोड का भी ट्रांसफर होता है ग्रेन टू ग्रेन होता है। बट अगर बात करते हैं रिजिड पेमेंट में, तो रिजिड पेमेंट में लेयर जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर, डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या कंक्रीट की लेयर बनी होती है इसमें, जैसे सबग्रेड के बाद सब बेस में होता है ड्राई लीन कंक्रीट एंड PCC। तो इसमें जो लोड का ट्रांसफर होता है वो लेयर टू लेयर होता है, मतलब इस लेयर से इस लेयर में, इस लेयर से इस लेयर में। लेकिन अगर इसकी बात करें, इसमें लेयर टू लेयर नहीं होता फ्लेक्सिबल पेमेंट में, इसमें ग्रेन टू ग्रेन हमारा लोड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आपको लोड का ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए अगर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में ग्रेन टू ग्रेन होता है, एंड रिजिड पेमेंट में आपका लेयर टू लेयर होता है, राइट।
अगर फेलियर की बात करते हैं, जो फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट में होता है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट देखिए, इफ देयर इज एनी फेलियर एट बॉटम लेयर देन फेलियर इज अपेयर एट टॉप। अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट में कोई भी फेलियर होता है, किसमें, बॉटम लेयर में, मतलब मान लीजिए फ्लेक्सिबल पेमेंट है आपका और बॉटम लेयर में आपका कोई फेलियर होता है बॉटम लेयर में, तो वो फेलियर आपको दिखेगा टॉप पे, कैसा टॉप पे दिखेगा और कैसा दिखेगा, इस टाइप का से दिखेगा टॉप पे। मतलब आपके बॉटम लेयर में कोई फेलियर होता है आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट में, तो आपके टॉप लेयर में शो होगा, वो भी ऐसा इस टाइप के फेलियर को आप क्या बोलते हैं, रट्स बोलते हैं। इसी टाइप के फेलियर को रटिंग फेलियर बोलते हैं, जो आपको मैंने ज्योमेट्रिक डिजाइन में भी डिस्कस किया हुआ कि रटिंग फेलियर क्यों होता है, राइट। तो इस टाइप का जो फेलियर होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट, इसको आप रट्स बोलते हैं या रटिंग फेलियर भी बोलते हैं। और जब भी आपके बॉटम लेयर में कोई भी फेलियर होता है, वो आपके टॉप में क्या करता है, शो करता है। लेकिन हम बात करते हैं किसमें, रिजिड पेमेंट में। तो इफ देयर इज एनी फेलियर एट बॉटम लेयर देन द स्लैब इज एक्ट एज ब्रिज ओवर स्मॉल कैविटी। तो हमारा अगर रिजिड पेमेंट में कोई भी फेलियर होता है बॉटम लेयर में, जैसे हमारा रिजिड पेमेंट है, बॉटम लेयर में हमारा कोई फेलियर होता है, तो कैसा दिखता है, वो दिखता है उसका जो स्लैब होता है वो एक्ट करता है ऐसे ब्रिज। अब जैसे इस डायग्राम को आप देखिए, तो ये आपका रिजिड पेमेंट है, ये आपका स्लैब, और आपका फेलियर बॉटम में हुआ है, तो कैसे एक्ट कर रहा है, देखिए बॉटम में ये फेलियर हुआ, तो ये एक ऐसा, मतलब ऐसा लग रहा है कि ऊपर से हमारा क्या गई है, ब्रिज गई है, और यहाँ नीचे हमारे क्या बन गई, कैविटी बन गई है। तो वही है बोल रहा है कि बॉटम लेयर देन द स्लैब इज एक्ट एज ए ब्रिज ओवर स्मॉल कैविटी, एक स्मॉल कैविटी के ऊपर क्या बन गई, ब्रिज बन गई, ऐसा हमारा रिप्रेजेंट होता है किसमें, रिजिड पेमेंट के फेलियर में। और फ्लेक्सिबल में आपने देख ही लिया, तो ये डिफरेंस है हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट में। नंबर फिफ्थ की बात करते हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं जॉइंट्स के बारे में। तो कोई भी जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती फ्लेक्सिबल पेमेंट में, बट अगर बात करते हैं हम लोग रिजिड पेमेंट में, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं हम लोग रिजिड पेमेंट में, जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में नो जॉइंट्स प्रोवाइड, राइट। अगर कॉस्ट की बात करते हैं, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो होता है, तो हमारा इनिशियल कॉस्ट काफ़ी लो होता है, लेकिन उसका हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, बाद में जैसे इनिशियल में जो आपने फ्लेक्सिबल पेमेंट को बनाया है उसमें कॉस्ट तो कम होता है, लेकिन मेंटेनेंस के लिए उसका कॉस्ट हमारा क्या होता है, हाई होता है। लेकिन अगर बात करते हैं रिजिड पेमेंट में, तो रिजिड पेमेंट में इनिशियल कॉस्ट ही हाई होता है, बट मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, उसका बहुत कम होता है। तो ये डिफरेंट टाइप का हमारा डिफरेंट जो सर फ्लेक्सिबल पेमेंट है रिजिड पेमेंट, उनमें हमारा जो डिफरेंस है वो आपको मैंने समझाया, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आपसे कोई जर्नल पूछ ले इंटरव्यू में या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। तो हमने मेनली 6 पॉइंट को डिस्कस किया दोनों के डिफरेंस के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में कोटिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप कौन कौन सी कोटिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो आप देखिए ध्यान से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में सबसे आपके पहले क्या होता है, सबग्रेड। सबग्रेड मतलब कम्पैक्टेड सबग्रेड, कम्पैक्टेड वही सबग्रेड जो मिट्टी है, जहाँ भी आपको रोड डिजाइन कर रहे हैं वहाँ पहले सबसे पहले मिट्टी को क्या करेंगे, आप कॉम्पैक्ट करते हैं। तो वही कम्पैक्टेड सबग्रेड है जिसकी थिकनेस जनरली हम लोग 150 से 300 mm लेते हैं, राइट। उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्ट करते हैं सब बेस, सब बेस जिसकी थिकनेस 100 से 300 mm हम लोग जनरली कंस्ट्रक्ट लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है बेस जो 100 से 300 mm, उसके बाद आता है बाइंडिंग बाइंडर कोर्स, या उसके बाद आता है हमारा सरफेस। तो बाइंडर्स कोर्स जो होता है हमारा बेस का ही पार्ट होता है, जिसमें बाइंडिंग मटेरियल का हम लोग यूज़ करते हैं, उसके जस्ट ऊपर हमारा आता है सरफेस। तो जो हम लोग कोटिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो हम बेस के जस्ट ऊपर, जो हमारा बेस के जस्ट ऊपर लेयर में होती है, वहाँ हम लोग प्राइम कोटिंग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक, जिससे हमारा बाइंडिंग मटेरियल हमारे क्या हो जाए कि एक दूसरे से हमारा उनका जो पार्टिकल है वो हमारा अटैच रहे। तो प्राइम कोटिंग कराते हैं, प्राइम कोटिंग के बाद हम लोग जस्ट बाइंडर कोर्स के ऊपर क्या कराते हैं, टैग कोट कराते हैं, और सरफेस जो होता है हमारा, सरफेस होता है जो टॉप लेयर होती है हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट की, उसके ऊपर हम लोग सील कोटिंग कराते हैं। सील कोटिंग के ऊपर आते हैं कि जो हमारी टॉप लेयर है उस पर अगर कोई कल को बरसात के समय में पानी बरसे, तो हमारे जो सरफेस है उसके अंदर हमारा पानी नहीं क्या हो जाए, पेंटेट ना होने पाए, उसके अंदर ना जाने पाए, इसलिए हम उसमें सील कोटिंग कर देते हैं। तो हमारे इस टाइप के 3 कोटिंग हम प्रोवाइड कराते हैं क्या, फ्लेक्सिबल पेमेंट में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग कोटिंग कराते हैं, वो हम लोग कराते हैं प्राइम कोटिंग, उसके देन बाद हम लोग टैग कोटिंग, और सबसे टॉप सरफेस पे हम लोग प्रोवाइड कराते हैं सील कोटिंग। तो ये आपको जनरली पता होना चाहिए, राइट।
तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में एंड रिजिड पेमेंट के बारे में। फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो हमारा डाटा है IRC 37/2012 के अकॉर्डिंग होता है, जबकि रिजिड पेमेंट का जो डाटा है हमारा IRC 58/2015 के अकॉर्डिंग है, राइट। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सेमी रिजिड पेमेंट क्या होता है। आपने सुना भी होगा फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट, बट सेमी रिजिड पेमेंट क्या होता है, तो आइए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग सेमी रिजिड पेमेंट की, तो इफ बेस कोर्स अ सब बेस, आपको पता है कि बेस कोर्स सब बेस क्या, आपको पता है सब फ्लेक्सिबल में सब ग्रेड, फिर सब बेस, फिर बेस एंड सरफेस। और अगर रिजिड की बात करें तो सब ग्रेड, उसके बाद बेस और डायरेक्ट सरफेस आता है। तो ये आपको डिस्कस कर चुका हूँ अभी जस्ट। तो सेमी रिजिड पेमेंट की बात करते हैं, इफ बेस कोर्स एंड सब बेस कोर्स ऑफ ए फ्लेक्सिबल पेमेंट इज रिप्लेस्ड बाई पोजोलॉनिक कंक्रीट, देन द पेमेंट इज कॉल्ड सेमी रिजिड पेमेंट। क्या बोल रहा है कि अगर आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो आपका सब बेस होता है और बेस कोर्स होता है, बेस होता है उसको जो आप डिज़ाइन करते हैं, उसको फ्लेक्सिबल पेमेंट उसको रिप्लेस करके आप पोजोलॉनिक कंक्रीट का अगर यूज करती हैं, तो उस टाइप के जो पेमेंट होता है उसको आप बोलते हैं सेमी रिजिड पेमेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सेमी रिजिड पेमेंट आपका कब कहलाता है, मतलब आपका जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है अगर उसके बेस और सब बेस को आप पोजोलॉनिक कंक्रीट से क्या कर दें, रिप्लेस्ड कर दें, तो आप उसको बोलते हैं सेमी रिजिड पेमेंट। अब स्ट्रेंथ ऑफ सेमी रिजिड पेमेंट इज मोर देन दैट द फ्लेक्सिबल पेमेंट बट लेस देन द रिजिड पेमेंट। तो जो सेमी रिजिड पेमेंट आपने डिजाइन कर दिया उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट से तो क्या होती है, ज़्यादा होती है, बट रिजिड पेमेंट से क्या होती है, आपकी कम होती है। और अगर बात करते हैं हम लोग कंपोजिट एंड पेमेंट के, कंपोजिट पेमेंट क्या होता है, इफ द बिटुमिनस कंक्रीट इज प्रोवाइड एट टॉप सरफेस अबव सीमेंट कंक्रीट पेमेंट इट इज कॉल्ड कंपोजिट पेमेंट। तो कंपोजिट पेमेंट क्या होता है दोस्तों, कंपोजिट पेमेंट अगर मान लीजिए आपकी सीओई सीमेंट कंक्रीट की रोड है, अब सीमेंट कंक्रीट की रोड क्या कहलाएगी, आपकी रिजिड पेमेंट कहलाएगा, राइट। अब सीमेंट कंक्रीट की रोड होगी रिजिड पेमेंट, और फ्लेक्सिबल तो आपको जानते हैं जनरली आपको WBM की रोड होती है, ठीक है। तो जो आपकी सीमेंट कंक्रीट की रोड है उसके टॉप सरफेस पे आप अगर बिटूमिनस कंक्रीट की लेयर प्रोवाइड कराएंगे, एक थिन लेयर प्रोवाइड कराते हैं आप, तो उसको आप बोलते हैं कंपोजिट पेमेंट। तो अच्छा, सीमेंट कंक्रीट की रोड है और उसमें आप बिटूमिनस की कंक्रीट क्यों प्रोवाइड कराते हैं, बिटूमिनस कंक्रीट की लेयर क्यों प्रोवाइड कराते हैं, तो उसको आप इसलिए प्रोवाइड कराते हैं कि व्हीकल जब सीमेंट कंक्रीट में है तो उसमें जो फ्रिक्शन होता है उसमें बहुत हाई होता है, और दूसरा उसमें जो व्हीकल है, जो व्हीकल के टायर हैं, तो वो स्मूथली क्या करते हैं, मूव नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, स्मूथली मूव नहीं करते, और उसमें हमारे जो अपने जो व्हीकल के व्हील्स होते हैं, टायर होते हैं, उनमें भी हमारा क्या होता है कि लाइफ क्या होती है उससे कम होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट के रोड में ही एक पतली सी लेयर की हम लोग बिटूमिनस कंक्रीट की लेयर बिछाते हैं, जिससे हमारे उसमें क्या बढ़ जाता है कि हमारा जो व्हीकल होता है स्मूथली क्या करते हैं, मूव कर देते हैं। प्लस दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलते हैं कि हमारा उसमें जो हम लोग जर्नी प्रोवाइड करते हैं, जो ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, दूसरा उसको आप देख सकते हैं कि उसमें जो आपकी जो लेयर होती है, हमारी टॉप लेयर प्रोवाइड कराते हैं, तो व्हीकल का जो डैमेज है कि व्हीकल जो टायर का डैमेज है उसको भी आप क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो जनरली आप इसलिए कंपोजिट पेमेंट का यूज करते हैं। तो ओवरऑल कंपोजिट पेमेंट क्या होता है कि आपके जो सीमेंट कंक्रीट की रोड होती है उसमें आप टॉप पे जो टॉप सरफेस होती है उस पर आप बिटुमिनस कंक्रीट की लेयर प्रोवाइड करा देते हैं, तो इसको आप बोलते हैं कंपोजिट पेमेंट। तो इस तरह आपने सभी को डिस्कस किया, फ्लेक्सिबल पेमेंट रिजिड पेमेंट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कोटिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस किया, फिर आपका सेमी रिजिड पेमेंट क्या होता है और कंपोजिट पेमेंट क्या होता है। तो ये हमारा, अब हम लोग बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, किसकी बात करते हैं, डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो अब हम स्टडी करेंगे डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो डिज़ाइन पैरामीटर पहले देख लेते हैं, डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन पैरामीटर देख लेते हैं। डिज़ाइन पैरामीटर में हम लोग क्या देखते हैं, मैक्सिमम एक्सियल लोड देखते हैं। तो मैक्स एक्सियल लोड क्या होता है, हमारा पहला पॉइंट होता है हमारा स्टैंडर्ड एक्सियल लोड। कई बार एग्जाम में आया था कि स्टैंडर्ड एक्सियल लोड कितना हम लेके चलते हैं, तो वो भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। तो हम लोग कि स्टैंडर्ड जो एक्सेल लोड होता है हमारा, वो हमारा जर्नली होता है 8170 kg होता है, जिसको हम अगर टन में बात करते हैं तो 8.2 टन, और अगर हम लोग किलो न्यूटन बात करते हैं 80 किलो न्यूटन। तो एग्जाम पॉइंट आपसे ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड जो एक्सेल लोड हम लोग लेके चलते हैं
को हम लोग 80 किलो न्यूटन लेके चलते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लीगल एक्सल लोड। लीगल एक्सल लोड या इसी को हम लोग बोलते हैं डुअल व्हील असेंबली। अभी क्या तो स्टैंडर्ड जो एक्सल लोड लेके चलते हैं सिंगल व्हील असेंबली है, राइट। देखिए सिंगल व्हील असेंबली है, लेकिन अगर आप लीगल एक्सल लोड बात करें या डुअल व्हील असेंबली, आपने ट्रक में देखा होगा कि ट्रक के पीछे जो टायर होते हैं वो आपके दो व्हील होते हैं, राइट। दो व्हील होते हैं, कई ट्रक में आपके सिंगल व्हील होते हैं। तो अगर सिंगल व्हील की बात करें, स्टैंडर्ड लोड एक्सल लोड की बात करें, तो हम लोग कितना लेके चलते हैं 80 किलोमीटर। लेकिन अगर लीगल एक्सल लोड की बात करें तो, या उसको हम लोग बोल सकते हैं डुअल व्हील असेंबली की बात करें, तो उसका जो हमारा लोड होता है वो होता है 10.2 टन। तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार स्टैंडर्ड एक्सल लोड का डायरेक्ट पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल पर्पज में भी आपको इसका यूटिलाइज होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हमारी एक्सल लोड की बात हो गई, ठीक है। अब जो हमारा डिजाइन पैरामीटर दूसरा पॉइंट है स्ट्रेस एट एनी डेप्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये रोड है या आपका ये पेमेंट है, राइट। हम बात करेंगे पेमेंट की, तो ये आपका पेमेंट है, इसके ऊपर आपका ये क्या है व्हील है। तो व्हील का जो लोड है उसको आप किससे डिफाइन कर रहे हैं, पी से। तो वो लोड पेमेंट के जो डेप्थ में कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है, कितना स्ट्रेस दे रहा है, वो आप डिस्कस करेंगे। तो उसी को बोलते हैं स्ट्रेस एट एनी डेप्थ। किसी पेमेंट के किसी भी डेप्थ पे कितना स्ट्रेस लग रहा है वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जो हमारा बोजनिक थ्योरीज होता है, जो बोजनिक थ्योरी, इसको आप और डील में पढ़ेंगे, सॉयल मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे तब ध्यान से इसको पढ़ाया जाएगा। तो जो बोजनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन का फार्मूला है वो हमारा होता है स्ट्रेस किसी भी डेप्थ पे, पेमेंट के किसी डेप्थ पे लोड के कारण जो स्ट्रेस आ रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारा सिग्मा जेड इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 माइनस जेड क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ये बोजनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग फार्मूला है। यहाँ पे जो आपका स्मॉल पी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्टैक्ट प्रेशर। कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या हुआ, जो आपके टायर के और रोड के सरफेस पे, पेमेंट के सरफेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट है उसको हमारा स्मॉल पी से डोनेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रेशर। और जो हमारा निकालने का होता है पी लोड अपान एरिया, इसके बारे में मैंने भी डिस्कस किया पहले भी, कॉन्टैक्ट एरिया और कॉन्टैक्ट प्रेशर के बारे में। तो लोड अपान एरिया, तो लोड तो आपका क्या हो गया पी हो गया, जो आपके व्हील का लोड है वो क्या है देखो ये पी हो गया, और एरिया क्या होगा, तो आपका जो व्हील है वो क्या है सर्कुलर है, उसका एरिया क्या होगा पाई ए स्क्वायर। तो ये होगा स्मॉल पी क्या होता है आपको कॉन्टैक्ट प्रेशर, जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं पी अपान एरिया, और पी अपान एरिया आपको होता है पाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपका पी डिस्कस हुआ। जेड क्या हो गई, डेप्थ हो गई, किस डेप्थ पे आपको जो आपकी पेमेंट की डेप्थ है उस किस डेप्थ पे आपको स्ट्रेस फाइंड करने आपको पूछा गया है, राइट। ए क्या हो गया आपका एरिया, रेडियस ऑफ जो हमारा कॉन्टैक्ट एरिया होता है उसका रेडियस हो गया, राइट। एंड जेड आपको पता ही है डेप्थ है, बस आपको वैल्यू गिवेन होगी, आप स्ट्रेस एंड डेप्थ पे फार्मूला पुट अप करके सॉल्व आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोजनिक थ्योरी है। तो यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे आप देखें कि ए इक्वल टू क्या दिया आपको, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया जो आपको बताया था, और जेड क्या आपकी डेप्थ, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, रिजिडिटी फैक्टर की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार देखने को मिल जाएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। रिजिडिटी फैक्टर की बात करते हैं, तो रिजिडिटी फैक्टर इक्वल टू होता ही है हमारा कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। ध्यान रखिएगा, रिजिडिटी फैक्टर होता है हमारा कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर, राइट। लेकिन डिजाइन पर्पज के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट प्रेशर को इक्वल लेके चलते हैं टायर प्रेशर के। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर अगर इक्वल टायर प्रेशर के, तो रिजिडिटी फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, 1, राइट। और जनरली हम लोग डिजाइन पर्पज के लिए कॉन्टैक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर को 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का स्क्वायर लेके चलते हैं। तो ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ डिजाइन पर्पज में हम लोग कॉन्टैक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर को 7 kg per cm का स्क्वायर लेके चलते हैं, और आपका जो रिजिडिटी फैक्टर होता है वो होता है आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर, राइट। अब अगर डिस्कस करते हैं, तो एग्जाम में इस टाइप का हमारा क्वेश्चन है जो आपको मैं समझाऊंगा, तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको पता होना चाहिए रिजिडिटी फैक्टर आपका होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। अब अगर इसको डिस्कस करें, तो अगर मान लीजिए ये वैल्यू अगर हमारी ज़्यादा होगी तो हमारा रिजिडिटी फैक्टर क्या होगा, कम होगा, और अगर कॉन्टैक्ट प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारा रिजिडिटी फैक्टर ऑलरेडी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हमारी मान लीजिए ये दोनों की वैल्यू सेम हुई तो रिजिडिटी फैक्टर क्या होगा, 1। तो वही डिस्कस किया कि अगर रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, अगर रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तब कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे,
टायर प्रेशर से, तभी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वन से ज़्यादा आएगी। देखिए अगर रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू वन से ज़्यादा है तब आपका जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है वो क्या होगा, सेवन से ज़्यादा होगा। जनरली आप कितना ले चलते हैं दोनों को, सेवन इक्वल लेके चलते हैं। पर अगर आपकी रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू, जब आप दोनों को सेवन लेके चलते हैं तब आपका रिजिडिटी फैक्टर कितना आता है, तब आपका रिजिडिटी फैक्टर कितना आता है, वन, डिजाइन पर्पज से, राइट। लेकिन अगर वन से ज़्यादा है तो मतलब कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या है, सात से ज़्यादा है, और टायर प्रेशर जाहिर सी बात है सात से क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर रिजिडिटी फैक्टर आपकी वन के इक्वल है तो आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर भी सेवन होगा और टायर प्रेशर भी क्या होगा, सेवन होगा। लेकिन अगर आपकी रिजिडिटी फैक्टर वन से क्या है, कम है, अगर ये वैल्यू वन से कम आए तो जाहिर सी बात है टायर प्रेशर क्या होगा, सात से ज़्यादा हो जाएगा और कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या हो जाएगा, सात से कम। देखिए अगर रिजिडिटी फैक्टर आपकी वन से क्या है, कम है, तो आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर सात से क्या हो गया, कम हो गया। जब टायर प्रेशर क्या हो गया, सात से आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, राइट। सात से आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर गलत है, ये सात से क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ये आपको ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और आपको डिजाइन पर ध्यान रखना, कितना कंसिडर कर चलते हैं आप कॉन्टैक्ट प्रेशर टायर प्रेशर को, 7 kg/cm² का स्क्वायर, राइट। कभी एग्जाम में ऐसे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लेता है कि आपका रिजिडिटी फैक्टर क्या होगा अगर आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर सेवन से ज़्यादा है, तो आपको सिंपल से बात है कि रिजिडिटी फैक्टर आपका क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि अगर टायर प्रेशर आपका सेवन से ज़्यादा है तो आपका रिजिडिटी फैक्टर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आपका रिजिडिटी फैक्टर क्या होगा, लेस देन वन होगा। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद कॉन्सेप्ट पता है कि रिजिडिटी फैक्टर होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। अगर टायर प्रेशर हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है रिजिडिटी फैक्टर क्या होगा आपका, कम होगा वन से। और अगर कॉन्टैक्ट प्रेशर सात से ज़्यादा है तो आपको पता है रिजिडिटी फैक्टर क्या होगा, सात, वन से ज़्यादा होगा। और इक्वल कब होगा वन के, जब दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। सिंपल से तो आपको ग्राफ में वही चीज़ दिखाया गया है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब इसके बारे में अगर कॉन्सेप्ट में बात कर लें, तो अगर टायर प्रेशर की वैल्यू आपकी क्या है, कम है, किससे, कॉन्टैक्ट प्रेशर से। अगर टायर प्रेशर की वैल्यू आपकी क्या है, कम है, किससे, कॉन्टैक्ट प्रेशर से, तो उस केस में जो टायर होगा अंडर कंप्रेशन होता है, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या ज़्यादा है। कॉन्टैक्ट प्रेशर कैसे लगता है आपका, ये आपका जो पेमेंट है और जो आपका ये व्हील है, इसके बीच में जो हमारा कॉन्टैक्ट होता है व्हील और पेमेंट के टॉप सरफेस में, वही हमारा क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट एरिया होता है। तो मान लीजिए कॉन्टैक्ट प्रेशर आपका क्या है, इस केस में क्या है, ज़्यादा है। कॉन्टैक्ट प्रेशर आपका क्या है, ज़्यादा है, किससे, टायर प्रेशर से। तो उस केस में आपका जो टायर होगा अंडर क्या होता है, कंप्रेशन होता है। क्या होता है, टायर अंडर कंप्रेशन, मतलब टायर पे आपको क्या होता है, कंप्रेस ज़्यादा करना पड़ता है, टायर होता है अंडर कंप्रेशन। तो एट लो टायर प्रेशर के केस में टायर क्या होता है आपका, अंडर कंप्रेशन होता है। लेकिन अगर बात करते हैं एट हाई टायर प्रेशर, हाई टायर प्रेशर का मतलब टायर प्रेशर अब ज़्यादा हो जाए और कॉन्टैक्ट प्रेशर कम हो जाए, उस केस में आपका जो टायर होता है अंडर क्या होता है, टेंशन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है रिजिडिटी फैक्टर में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ध्यान रखना है कि एट ए लो टायर प्रेशर केस में टायर आपका क्या होता है, लो टायर प्रेशर का मतलब टायर प्रेशर आपका कम है और कॉन्टैक्ट प्रेशर अगर आपका ज़्यादा है तो उस केस में टायर क्या होता है आपका, अंडर कंप्रेशन। अगर बात करते हैं हाई टायर प्रेशर के केस में, हाई टायर प्रेशर का मतलब टायर प्रेशर आपका ज़्यादा है और कॉन्टैक्ट प्रेशर अगर आपका कम है तो उस केस में टायर क्या होता है, अंडर आपका टेंशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको बाय डायग्राम भी समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ टॉप है हमारा, फोर्थ है मैकलियोड थ्योरम। मैकलियोड थ्योरम का जो हमारा है कि वो बोलते हैं कि जो हमारा पी है, जो हमारा एक्सल लोड है, वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वन अपॉन एन। एन क्या आते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ रिपीटिशन, मतलब कोई भी लोड है, कोई आपकी रोड है, उस रोड पे अगर नंबर ऑफ रिपीटिशन लोड, जैसे फोर व्हीलर का कोई लोड है, एक बार व्हीकल मूव किया फिर दोबारा मूव किया हुआ, तो जो नंबर ऑफ रिपीटिशन लोड में है वो हमारा बोलते हैं पी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वन अपॉन एन के। इनके अकॉर्डिंग पी वन एन वन इक्वल टू होता है किसके, पी टू एन टू के। और यहाँ पे एक आपको छोटा सा और फार्मूला ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट लोड फैक्टर है जो हमारा होता है एक्सल लोड अपॉन स्टैंडर्ड एक्सल लोड। स्टैंडर्ड एक्सल लोड कितना होता है, 80 kN, आपको बता दिया था मैं। तो इक्विवेलेंट लोड फैक्टर इक्वल होता है एक्सल लोड अपॉन स्टैंडर्ड एक्सल लोड की पावर 4 के, इसको आप फोर्थ पावर लॉ भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग मैकलोड थ्योरम का कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकल है। आपको पेमेंट के डिज़ाइन, आप पेमेंट जब करेंगे या पेमेंट डिज़ाइन आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें जनरली आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे और फॉर्मूले मिलेंगे जिससे आपको डील करने हैं न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स को। और कोई भी दिक्कत आ रही तो आप और मेरे को बताइएगा और मैं उसको आप सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ESWL, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील। Change for good.